यार क्यों शोर मचा रहे हैं, क्या हुआ? यार मेरे ख्याल से ना बिल्ली आई है दोबारा से। बिल्ली जब आती है ना तब ये सारे शोर मचाते हैं। हैं तो सही, वैसे बिल्ली आती ना बता देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार ये जो हमारे दो रैबिट हैं ना, आज हम बहुत ज़्यादा रैबिट और लेकर आएंगे। चार रैबिट हैं बड़े, और मेरे दोस्त के पास है, उसने मुझे कल उनकी वीडियो भेजी है, मुझे तो बहुत प्यारे लगे हैं वो मैं अभी लेकर आऊँगा थोड़ी देर बाद ना। पहले अपने सारे परिंदों को दाना पानी दे देते हैं। ये देखिए अभी हमारे दो हैं, उदास उदास रहते हैं। जब ज़्यादा हो जाएंगे ना ये ऐसे खेलेंगे कूदेंगे, इनके हम घर भी बनाएंगे। अभी पीछे ना सारे इनके डब्बे बना लेंगे इनके बच्चे देने के लिए ना। अभी इनके लिए कोई जगह नहीं है बच्चे देने के लिए, इनकी सारी जगह बनाएंगे। तो यार वो ना हम लेने जाते हैं अभी। सबसे पहले ना इन सारे परिंदों को दाना पानी दे देते हैं, फिर लेने जाते हैं। यार आज ना सबसे पहले हम खोलते हैं अपने जख्मी चूजों को बाहर, उसके बाद अपनी छोटी गैंग को भी लेंगे, उन दोनों को एक साथ लेकर आ जाते हैं। हमारी बदमाश गैंग तो चली गई है वहाँ पे मिनी फार्म में, पहले इन दोनों को खोलते हैं हम। यार देखिए मैं वो लेने जा रहा था, फिर शोर मचाने लग गया, क्या हुआ यार? पता नहीं दोस्तों, यार पता नहीं क्या हो रहा है आज, इसको ये शोर ही मचाई जा रहा है सुबह से ना। अभी मैं कह रहा हूँ इसको बाहर निकाल लेते हैं, शायद ही कह रहा हूँ मुझे बाहर निकालो। चल भाई बाहर आ जा, आ जा, अब ना शोर मचाना। अब चूल्हे भी खोल लेते हैं इसी के साथ। यार ये बाहर ना खोलो, मेरे ख्याल से इसलिए शोर मचाता है, अब शायद ये नहीं मचाएगा। अच्छा भले मैंने दाना पानी जल्दी जल्दी करके ना खरगोश लेने जाते हैं फिर। तो यार अभी मुझे ना मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया, वो कह रहा भी लेने आ जाओ। मैं सबसे पहले ना आज इनको इनके केज में दाना पानी दे देते हैं, आज भाई नहीं निकालते तो इन सबको अब दाना पानी देते हैं जल्दी जल्दी, फिर जाके अपने रैबिट लेकर आते हैं बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों ये आ गई हमारी जख्मी चूजों की फीड। ये देखिए माशाल्लाह से ना इसका ज़ख्म भी ठीक हो गया, इसको मारा था ना बदमाश गैंग ने, इसका ज़ख्म बहुत ज़्यादा सही हो गया। मैं आपको पकड़ के दिखाता हूँ, ये देखें पहले तो इसको सारा सर फटा पड़ा था, अब थोड़ा सही हो गया, थोड़ा सा अभी भी है पड़ेगा। पानी तो दी करते हैं उन अपने छोटे गैंग को, देते हैं हम पानी दाना। ये आ गया हमारा छोटी गैंग के लिए फीड। फीड माशाल्लाह बहुत शौक से खाते हैं भाई, इतनी बहुत है इनके लिए। देखिए किस तरह खा रहे हैं, जैसे इनको कभी मिलता ही ना हो पानी भी, इनका बिल्कुल खुश हुआ पड़ा। पानी में इन सारों को भी डालता हूँ एक साथ। यार इस केज की हालत देखिए, इन्होंने कितना ख़राब कर दिया। अगर इस केज में मिट्टी होती ना तो इसमें इतना गंद कभी भी ना मचता। जिस केज में मिट्टी नहीं होती ना यार, ये हफ्ते में देखे इन्होंने कितना ख़राब कर दिया केज हमारा, बिल्कुल साफ था ये। तो यार इन्हें यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पर ना कोई और चीज़ रखेंगे, डब या पिजन कुछ भी लाएंगे ना, सारा कलर करके इसकी सारी सफाई करके अच्छी से और चीज़ लेके आएंगे। अभी रैबिट लेकर आते हैं। चलो यार अब मैं जाता हूँ, सारों को दाना तो दे दिया, हमारी मुर्गियाँ रह गई हैं सिर्फ, मुर्गियों को आके दे देंगे। यार मेरे दोस्त का ना फ़ोन आ रहा है, वो कह रहा है जल्दी आकर लेके जाओ। तो यार मैं जाता हूँ लेकर आता हूँ फ़ौरन ना, इनको फिर आकर दाना देते हैं। तो यार मैं आ गया हूँ लेकर अपने रैबिट, ये देखिए इसमें हैं पड़े। मैं आपको अब दिखाता हूँ बारी बारी ना इन्हें निकाल के भाई। माशाल्लाह यार मुझे तो बहुत प्यारे लगे हैं ये, हमारे रैबिट भी देखने आ गए हैं क्या चीज़ आ गया। ये तुम्हारे दोस्त ही हैं पड़े, निकालता हूँ इन्हें। पहले इनका केज खोल लेते हैं, सीधा इन्हीं के साथ ही डालेंगे। तो यार पहले मैंने ना चार फीमेल लेकर आनी थी, मगर ना मेरा दोस्त वे बात कह रहा था भाई मेरे पास ज़्यादा मेल हो जाएंगे, एक मेल साथ ले जाओ। ये देखिए ब्लैक एंड वाइट फीमेल, पहले आपको दिखाऊं तो सही भागी जा रही है। ये देखिए कितनी प्यारी है माशाल्लाह से, और भी निकालता हूँ, सारे प्यारे लगे हैं मुझे तो भाई। ये थोड़े गंदे हुए पड़े हैं, इनको हम ना अच्छी तरीके से इनको नहला के इनको बिल्कुल साफ़ कर देंगे। और भी हैं इसमें, ये देखिए ये माशाल्लाह वाइट रेड आई था यार, ये तो जो कितनी तेज़ है माशाल्लाह से। ये भी यार मैली हो रही है, इसको भी हम नहलाएंगे। ये दोनों फीमेल थी, अब मैं आपको और दिखाता हूँ। मुझे तो यार माशाल्लाह बहुत प्यारे लगे हैं ये। ये देखें कि ये फीमेल है, हाँ ये फीमेल है, क्योंकि इसका मैंने वहाँ कलर देख लिया। ये देखो कितनी तेज़ है यार ये। ये फिर भी थोड़े साफ़ है, जो ब्लैक एंड वाइट है और वाइट है ना वो सारा ज़्यादा मैले हुए पड़े हैं। तो यार सारों को हम नहलाएंगे अपने आप। हमारे वाले रैबिट पहले वाले तो बिल्कुल सही हैं पड़े, देखें बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं पड़े। ये आखिरी है यार, ये माशाल्लाह यार बहुत बड़ा है बड़ा मेल। हमारे वाला रैबिट जो पहले वाला मेल है वो तो इसके सामने बच्चा है बड़ा बिल्कुल। यार मैं तो कह रहा हूँ आज इन सारों को एक साथ बाहर निकालते हैं, कितने ज़्यादा हो गए माशाल्लाह से हमारे पास रैबिट। तो यार इनके लिए ना पीछे इनके घर बनाएंगे जिसमें बच्चे देंगे, तीन घर बनाएंगे, तीन इनके लिए बहुत हैं बड़े। तो यार शायद हम इस मेल को दें, मेरा तो दिल नहीं है क्योंकि एक मेल के साथ ना चार फीमेल बहुत होती हैं। देखते हैं यार अब इसको रखेंगे, है तो ये बहुत प्यारा। देखिए आज अब इनको बाहर निकालते हैं, देखिए यार ये बाहर आना शुरू भी हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं ना बाहर आते। जब हमारे वाले दो थे ना वो डरते थे, अब ज़्यादा हो गए हैं, जल्दी जल्दी बाहर आ रहे हैं ये। आहिस्ता ही तब इन्हें भाई यार आदत हो जाएगी ना इन्हें बाहर आने की, फिर सही हो जाएगा। देखिए यार हमारे पहले वाले दो वो एक साथ घूम रहे थे, अब इनके साथ फीमेल है, ये सारे एक साथ घूम रहे हैं। मेरे ख्याल से वो ये सारे दोस्त बने हुए हैं, वो अब इनके आपस में सारों की दोस्ती हो जाएगी, फिर सारे एक साथ घूमा करेंगे। इनका कोई चीज भी देते हैं अभी। यार मैंने अभी एक चीज़ नोट किया, हल्का सा शोर है भाग जाते हैं अंदर। ये देखें भाई अगर ऐसे तो बिल्ली आएगी, हम हल्का शोर मचाएंगे अपने केज के अंदर चले जाएंगे।
यार ये तो सही हो गया, अगर हम चूजे भाई निकालते हैं भाई, बिल्ली आती है बिल्ली को भगाना पड़ता है, जैसे ही बिल्ली आएगी ये खुले पड़े होंगे, हम एक ऐसे हल्की से ऐसे आवाज़ करनी है सारे अंदर चले जाएंगे। ये अब थोड़ा डर जाते हैं फिर भी, बिल्ली से तो हिफाजत फुल है पड़ी। ये देखिए कैसे माशाल्लाह से, मुझे तो यार बहुत प्यारे लगे हैं ये। बकायद मुर्गों को भी दाना डालते हैं, इनको भी कोई चीज़ डालते हैं अभी। तो यार अभी मैं मुर्गी को डाइट दे रहा था, ये देखिए ये खाने आ गए, इनको भी डालते हैं मेरे ख्याल से, दाना खाते हैं इनको, दाना डालते हैं अभी, पहले अपनी मुर्गी को दे देते हैं। चलो दोस्तों हमने इसको दाना डाल दिया, और ये मुर्गी ना कुड़क हो गई हमारी, अंडे दे रही थी ना कुड़क हो गई यार, हमारे पास अंडे तो है नहीं जिस पर इसको बिठाएं। तो यार इस दफ़ा ना इसको, इसकी कुड़क ज़ाया करते हैं, अगली दफ़ा इसको बिठाएंगे अंडों पे। यार इनको पहले थोड़ा सा दाना डाल के देखते हैं, दाना खाते हैं तो फिर इनको और डालेंगे। वो हाँ माशाल्लाह खा रहे हैं, सबसे पहले जो हमारे पहले वाले ना वही खा रहे हैं, अब सारे ही आ गए हैं, इनको और दाना डालेंगे फिर, क्योंकि माशाल्लाह मुझे पता नहीं था यार ये दाना भी खाते हैं। इनको दाना डालेंगे, ये अच्छे से खा लें आज ना दोपहर के वक्त, इनके लिए मैं घास लेकर आऊँगा, घास भी बड़ी शौक से खाते हैं ये। चलो यार इनको दाना डाल दिया, अपनी चीनी मुर्गी को दाना डालते हैं। चले दोस्तों मैंने अपनी छत वाले परिंदों को सारों को दाना दे दिया, अब इनके पानी वाले बर्तन ना भाई निकाल लिया, अब इन सारों को पानी डालते हैं। ये देखिए हमारे रैबिट माशाल्लाह कितनी शौक से दाना खा रहे हैं। यार ये जो रेड आइज है ना, ये मेरे ख्याल से रोशनी में ना इसकी आँखें सही नहीं खुलती हैं, देखें इसकी ज़रा कम खुली हैं, बकाया सारों की देखे कैसे फुल फुल आँखें खुली हैं, इसकी ज़रा कम खुलती होंगी फिर। देखिए यार माशाल्लाह से हैं कितने प्यारे ये, इन सारों को यार नहलाएंगे, जो मैले हो रहे हैं ना ये, एक वाइट वाली एक ब्लैक वाइट वाली, इन सही ना मैंने लाएंगे ना दोपहर के जब धूप होगी फिर ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। यार इन सारों पानी डालते हैं, प्रिंस मुर्गा खड़ा है दाना खाने के लिए, तो यार इसका दरवाज़ा खोल देते हैं। चलो 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 दाना खा लो। नहीं भाई जब ये जो ये दरवाज़ा बंद था तब ये दाना खाने आ रहा था भाई, ये रैबिट के केज में ना चला जाए। चलो यार मेरे ख्याल से रैबिट को मारेगा भी सही, बिल्ली समझते हैं ये, जब ये बाहर खुलते हैं ना, हमारे जो रैबिट थे दो थे बाहर खुलते थे, ऐसे शोर मचाते हैं सारे परिंदे जैसे बिल्ली आ गई हो। चलो यार इन सारों को पानी डालते हैं अब। तो दोस्तों मैं अपने सब परिंदों को दाना पानी दे दिया, बस रैबिट का पानी रह गया। तो यार मुझे तो ये भी नहीं पता रैबिट पानी पीते हैं नहीं पीते, भाई मैंने रख तो दिया कभी मेरे सामने नहीं पिया, मुर्गे जैसे पीते हैं ना सामने, ये मेरे ख्याल से भी सामने नहीं पीते होंगे, पीते तो हैं यार, पानी ख़त्म हुआ पड़ा होता है उनको रख दिया। यार आप इनके लिए घर बता देना कि किस तरह के बनाए, इनके केज को हमने सारा कलर भी करना है, तो यार इनका केज भी प्यारा हो जाएगा सारा। मैं कह रहा हूँ पीछे ना ऐसे ईंटों के ना तीन घर बना दें, इस तरह जैसे ईंट है ना ऐसे लगा के इनके लिए घर बना लें, या दूसरा ऑप्शन है मटके रख लें हम पानी वाले जो होते हैं, या तीसरा ऑप्शन है बाल्टी में ना ऐसे सुराख कर लें, बीच में ना सुराख करेंगे ना फिर ये उसी के अंदर जाके बच्चे देंगे। तो यार आप सब भाई ना कमेंट में बता दें किस तरह के बनाएं, उसी तरह के हम कल बनाएंगे, आप कमेंट में बता देना। तो यार आप ये भी बताना आपको हमारे रैबिट कैसे लगे हैं, प्यारे लगे हैं पड़े जो नए लाए हैं, पुराने वाले तो यार मुझे तो माशाल्लाह बहुत प्यारे लगते हैं, ये हमारे यहाँ बिल्कुल साफ़ हुए पड़े हैं, वो ज़रा मैले हैं उनको हमने लाएंगे वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, फिर वो भी बिल्कुल इनकी तरह प्यारे हो जाएंगे। तो यार आज की वीडियो में यही था, आज हम बहुत ज़्यादा रैबिट लेकर हैं, अपने चार रैबिट लेकर हैं, हमारे पास छः हो गए हैं। यार वैसे तो हमने और परिंदे पहले जाने थे, क्योंकि हम तोते लेकर आए हैं सात लेकर आए हैं, और ये हमारे पास हो गए हम छः हो गए हैं रैबिट हमारे पास। तो यार और परिंदे भी लेकर आएंगे, अभी इस केज में भी हमने रखनी है, इसमें मैं कह रहा हूँ फाख्ता रखेंगे, डब जो होती है वो रखेंगे, सारा कलर करके ना इसको अच्छा सा बना के मिट्टी भी इसकी निकाल देंगे नीचे अच्छी सी, बिल्कुल अच्छा सा माहौल बना के ना यहाँ चीज़ें रखेंगे। तो यार कल मेरे ख्याल से हम बदखे लेके आएंगे, पता नहीं क्या लेकर आने, कल जुम्मे मंडी जाएंगे, जो चीज़ भी हमें अच्छी मिलेगी ना वो हम लेकर आएंगे अपने सेटअप के लिए। तो यार हमने और परिंदे जानवर से भर देना, ये हमारे हसीन हैं ये तो मिनी फार्म में चले जाएंगे, यहाँ पर और परिंदे रखेंगे, कल हमने इनका घर भी बनाना है, कल यार बहुत ज़्यादा काम है हमारे पास ना करने के लिए, तो यार सारे काम कल मैं कर लूँगा अच्छी तरह ना, इनका भी घर बना लेंगे, इनका पहले घर बना लेंगे उसके बाद हम जाएंगे मंडी, मंडी से हमें जो भी अच्छी चीज़ मिलेगी हम ले लेंगे, बेशक दो परिंदे हों छः हों जितने मर्जी हों। चलो यार आज की वीडियो में यही था बस।